Hello Legal Eagles, welcome to the Cute Quincy channel, and this video calls about two theories of tort law, Salmond's theory and Winfield's theory. So we discuss their comparison, criticism and conclusion. And before moving forward, let me remind you the definition of tort. So tort is a civil wrong which exclusively not a breach of contract or breach of trust. So all torts are civil wrong, but all civil wrongs are not tort. तो wrongful conduct को court में prove करने के लिए आपको ये prove करना पड़ेगा कि tort एक breach of contract या breach of trust नहीं है. So basically, tort एक civil wrong है जिसमें defendant breaches his duty towards the plaintiff. और प्लेंटिफ के राइट वायलेट होने की वजह से उसे कंपनसेशन क्लेम करने का राइट मिल जाता है. कुछ एग्जांपल्स हैं टॉट के, ट्रेसपासर, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, डिफेमेशंस, बैटरी एक्सेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ टॉट. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. इज देयर अ लॉ ऑफ टॉट और ओनली अ लॉ ऑफ टॉट्स? तो दो थ्योरीज हैं कि क्या ये लॉ ऑफ टॉट है या फिर लॉ ऑफ टॉट्स है. सो अकॉर्डिंग टू वन थ्योरी, हर रॉन्गफुल या अनलॉफुल कंडक्ट को टॉट लॉ के अंडर एक्शनेबल होना चाहिए, उस पर कार्यवाही होना चाहिए. ये एक जनरल प्रिंसिपल है. जब तक कि रॉन्गफुल एक्ट के लिए डिफेंडेंट के पास कोई लीगल जस्टिफिकेशन ना हो, विच मीन्स अगर कोई पर्सन दूसरी पर्सन को इंजर करता है, उसे किसी तरीके का हार्म पहुंचाता है, चाहे फिर वो इंजरी इन पर्सन हो या फिर इंजरी इन प्रॉपर्टी हो, तो रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट एक्शन या रॉन्ग डूअर को लाइबल होना चाहिए, फिर चाहे रॉन्गफुल एक्ट डेफिनेट नंबर ऑफ टॉर्ट्स में आता हो या ना आता हो. द अदर थ्योरी सेज ऐसा कोई जनरल प्रिंसिपल नहीं है जिसमें हर एक रॉन्गफुल एक्ट के लिए लायबिलिटी इस्टेब्लिश की जा सके. सिर्फ जो डेफिनेट नंबर ऑफ टॉर्ट्स हैं, जैसे कि ट्रेसपासर्स, नेग्लिजेंस, न्यूसेंस एक्सेट्रा, उन्हीं के लिए किसी रॉन्ग डूअर को लायबल कह सकते हैं. अगर प्लेंटिफ का राइट डेफिनेट नंबर ऑफ टॉर्ट्स लाइक ट्रेसपासर, न्यूसेंस या नेग्लिजेंस, इन सब के अंदर वॉलेट नहीं हुआ है, तो प्लेंटिफ कोई रेमेडी ऑप्टेन नहीं कर सकता. ये कहती है सेकंड थ्योरी. सो लेट्स डिस्कस दी विनफील्ड्स थ्योरी. विनफील्ड जो है लॉ ऑफ टॉट की थ्योरी को सपोर्ट करती हैं. विनफील्ड के अकॉर्डिंग टॉर्ट सिर्फ वो रॉन्गफुल एक्ट्स नहीं हैं जिन्हें ऑलरेडी स्पेसिफिक नेम्स एक्वायर कर लिए हैं, लाइक ट्रेसपास, निग्लिजेंस एंड डिफेमेशन. इनफैक्ट लॉ हर अनलॉफुल कंडक्ट या अनजस्टिफाइबल हार्म को टॉर्शियस मानता है. फॉर एग्जांपल, तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ, होप ये थ्योरीज जो है थोड़ी सी ईजी हो जाएंगी आपके लिए. ए एंड बी आर नेबर्स. ए अपने घर में एक वाटर टैंक बनाया. आफ्टर सम टाइम वाटर टैंक के पानी की लीकेज से बी की वॉल ख़राब हो गई. नाउ बी कैन सू ए अंडर टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस बिकॉज ए ने वाटर टैंक कंस्ट्रक्ट करते वक्त ध्यान नहीं दिया. दैट मीन्स ही वॉज नेग्लिजेंट. तो ये तो हुआ ऑलरेडी इस्टेब्लिश टॉट के अंदर सू करना. लेकिन कोर्ट चाहे तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का रूल क्रिएट कर सकता है अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो डेंजरस हो दूसरे के लिए और वो स्केप कर जाए, तो डिफेंडेंट लायबल होगा इवन इफ ही वाज नॉट नेग्लिजेंट. तो विनफील्ड की थ्योरी के अकॉर्डिंग टॉट हमेशा ग्रो करता है, डेवलप करता रहता है टाइम टू टाइम, और कोर्ट को न्यू टॉट क्रिएट करने पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस एंड सर्कमटेंसेस एंड द रॉन्गफुल कंडक्ट हैज़ बीन डन. सो देर आर सम सपोर्टर्स ऑफ विनफील्ड्स थ्योरी.
जस्टिस हॉल्ट ने विनफील्ड थ्योरी को सपोर्ट किया। एशबे वर्सेस वाइट के केस में उन्होंने ओबी जस ए बी रेमेडियम के प्रिंसिपल को रिकॉग्नाइज किया, विच मीन्स व्हेन देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। तो जैसे ही रॉन्गफुल एक्ट्स बदलेंगे वैसे ही उन पर लॉज बनाए जाएंगे, और अगर किसी पर्सन को इंजरी होती है तो किसी दूसरे इंडिविजुअल या स्टेट या सोसाइटी या फिर कोई कॉरपोरेशन हो तो उसको कंपनसेशन लेने का पूरा राइट है। लॉर्ड मैकमिलन ने भी डॉनक वर्सेस स्टीवेंसन में ये रिमार्क दिया, स्टेटमेंट दी कि जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ नई लाइबिलिटीज़ या नई ड्यूटीज़ क्रिएट की जाएंगी, और अगर किसी पर्सन को अनजस्टिफाइबल हार्म होता है तो इसमें जो है बेसिकली विनफील्ड्स ये कहना चाहते हैं कि टॉर्ट को जो है डेफिनेट नंबर्स में नहीं बांधा जा सकता, डेफिनेट या उसकी बाउंड्री जो है डिसाइड नहीं की जा सकती, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है कॉमन लॉ अंडर टॉर्ट लॉ जो है डेवलप्ड होता है। ओके सो कुछ क्रिएशंस हैं जो नए टॉर्ट बने टाइम के साथ साथ, और उसमें फर्स्ट है जैसे कि इंड्यूसमेंट का टॉर्ट है, किसी को अपने हस्बैंड को छोड़ने के लिए इंड्यूस करना, उकसाना, या फिर इंड्यूसमेंट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किसी को कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए उकसाना, वो भी क्रिएशन ऑफ न्यू टॉर्ट है, ये भी नया टॉर्ट बना था, पहले कोई ऐसा टॉर्ट नहीं था। सेकेंड इज टॉर्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इन रेलिन वर्सेस फ्लेचर, तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का रूल भी पहले नहीं था, ये भी कोर्ट ने न्यूली क्रिएट किया। सो फाइनली लॉ ऑफ टॉर्ट्स आर इनफाइनाइटली वेरियस, टॉर्ट को लिमिटेड या कोडिफाइड या कन्फाइंड नहीं कह सकते, ये ऑलवेज एक्सपेंड करता है टाइम टू टाइम और सिचुएशन टू सिचुएशन ये चेंज हो जाता है। सो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंडियन जुडिशरी का व्यू कि इंडियन जुडिशरी कौन सी थ्योरी को अपनाती है अपने डिसीजंस को रेंडर करने के लिए। सो बेसिकली इंडियन जुडिशरी सपोर्ट्स विनफील्ड थ्योरी। इन एमसी मेहता केस जस्टिस भगवती ने एक स्टेटमेंट दी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ही सेड दैट इंडियन प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग नए प्रिंसिपल्स नए नॉर्म्स हमको बनाने होंगे, हमेशा इंग्लैंड के लॉज को हम फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि इंडियन सिचुएशन अलग अलग है, हमको अपना कॉमन लॉ डेवलप करना पड़ेगा अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, और इसी केस में रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की जगह रूल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया गया। सो ये था इंडियन जुडिशरी व्यू जो लॉ ऑफ टॉर्ट की थ्योरी को सपोर्ट करता है। नाउ द सेकंड थ्योरी सालमंड्स थ्योरी। सालमंड कहते हैं कि ये लॉ ऑफ टॉर्ट नहीं है बल्कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स है। तो इसमें सालमंड की थ्योरी जो है जस्ट अपोजिट है विनफील्ड की थ्योरी से। अकॉर्डिंग टू सालमंड टॉर्ट लॉ के अंदर नई लाइबिलिटीज अराइज नहीं हो सकती, सिर्फ जो नॉमिनेट या जो स्पेसिफिक टॉर्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट है उन्हीं के अंदर किसी को लाइबल ठहराया जा सकता है, ये जो है सालमन कह रहे हैं। और सालमन सेड कोई जनरल प्रिंसिपल नहीं है जिससे डिफेंडेंट को लाइबल बोला जाए अगर किसी को पर्टिकुलर टॉर्ट को कमिट नहीं करता, अगर जो है डिफेंडेंट कोई पर्टिकुलर टॉर्ट कमिट नहीं करता तो ऐसा कोई जनरल प्रिंसिपल नहीं है कि उसे लाइबल ठहराया ही जाए, चाहे फिर वो किसी भी तरीके से उसे लाइबल बोला जाए। प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ेगा कि डिफेंडेंट का रॉन्गफुल एक्ट किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर या फिर नॉमिनेटेड टॉर्ट के अंदर फॉल करता है, अगर प्लेंटिफ प्रूफ नहीं कर पाता है तो डिफेंडेंट ने कोई रॉन्गफुल या कोई रॉन्ग कंडक्ट नहीं किया है।
सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जैसे क्रिमिनल लॉ में स्पेसिफिक ऑफेंसेस स्टैब्लिश्ड हैं और उनमें और क्रिमिनल लॉ में उसकी पनिशमेंट भी ऑलरेडी दी गई हुई है, लाइक मर्डर, रॉबरी, चीटिंग, उसी तरह टॉर्ट में भी स्पेसिफिक रॉन्गफुल एक्ट हैं, जैसे कि ट्रेसपास, नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, बैटरी। और अगर रॉन्गफुल एक्ट इन स्पेसिफिक रूल्स में नहीं है तो टॉर्ट भी नहीं हुआ है। तो सालमन ये कहना चाहते हैं, जैसे क्रिमिनल लॉ में ऑफेंसेस भी ऑलरेडी दिए हैं, स्पेसिफिक ऑफेंसेस, और उनके लिए पनिशमेंट भी दी है। और जनरली ऐसा होता है क्रिमिनल लॉ में, अगर किसी का अनलॉफुल कंडक्ट उन स्पेसिफिक ऑफेंस में फॉल नहीं करता तो उसको सजा नहीं होती, उसे रीजनेबल डाउट के ऊपर जो है बरी कर दिया जाता है। लेकिन तो टॉर्ट में भी सालमन यही कहते हैं कि अगर ट्रेसपास, नेग्लिजेंस या न्यूसेंस जैसे स्पेसिफिक रॉन्गफुल एक्ट के अंदर रॉन्ग डूअर का जो कंडक्ट है वो फॉल नहीं करेगा तो उसने भी टॉर्ट नहीं किया है। सो नाउ वी डिस्कस द क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थ्योरी। डॉक्टर जेन ने सालमन की थ्योरी सपोर्ट की, पर ये जो डॉक्टर जेन ने थ्योरी सपोर्ट की वो इतनी करेक्ट हमें नहीं दिखती है, क्योंकि सालमन की थ्योरी के अकॉर्डिंग एक नया टॉर्ट तभी क्रिएट होगा जब वो ऑलरेडी एग्जिस्टेड टॉर्ट से सिमिलर होगा। या तो टॉर्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट हो या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टेड टॉर्ट से सिमिलर हो, उसकी क्वालिटीज़ टॉर्ट में एग्जिस्ट करती हो। बट इन रेलेन वर्सेस फ्लेचर के केस में रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्रिएट किया गया, इवन दो वो किसी भी एग्जिस्टिंग टॉर्ट के सिमिलर नहीं है। तो यहाँ एक नया लॉ क्रिएट किया, तो जब नया लॉ क्रिएट हो जाएगा तो सालमन की थ्योरी वैसे भी फेल हो जाएगी। सो नाउ फाइनली कंक्लूजन ऑफ बोथ दिस थ्योरीज इज दैट बोथ थ्योरीज आर करेक्ट। विनफील्ड सेड सालमन की थ्योरी नैरो है और प्रैक्टिकल है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सालमन भी करेक्ट है, लेकिन ब्रॉडर वे में टॉट को देखे तो विनफील्ड की थ्योरी ज़्यादा वैलिड है। ईच थ्योरी इज़ करेक्ट फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ व्यू, और ये डिपेंड करता है क्वेश्चन ऑफ अप्रोच पे और देखने के नज़रिए से कि हमें कौन सा या कौन सी थ्योरी जो है सही लगती है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ डॉट एंड लॉ ऑफ डॉट्स, जो थ्योरी हमने पढ़ी, जिसमें हमने इंडियन व्यू भी पढ़ा, इनकर क्रिटिसिज्म भी पढ़ा, कंपैरिजन भी पढ़ा। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप यू लाइक द वीडियो।